आजकल ये सस्ता है। मैं एक महीने की क्लासेस करूंगी। मोहित भाई ऐसे कैसे बच्चे प्लान करते हैं? तो हमारी चुप तो हो गया बेटा, पैर दबाओ, पैर बस ना बेटा, देखो वो ऐसे तो मेरी बारी में ऐसा चुप नहीं करवा पा रहे, देखो जरा हो गई है वो चुप। यार तुम ऐसे कैसे संभालोगे? अरे तो खुद करो, क्लासेस होती है इसकी, एक महीने की क्लासेस होंगी ना, जब अपने आप वो उसके खुद के पापा है। मम्मी ऐसे क्या ऐसे बोलने में, वो उसके खुद के पापा है ना, खुद की मम्मी है तो ऐसा होता है, खुद के पापा खुद की मम्मी। खुद तो होगा तो बुलाएगा, बुलाएगा ट्राई तो आज के ब्लॉग में आपको यही सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलेंगी। ये है मेरी ननन जी, वो है मेरी नंदोई जी। बच्चा इनको करना है, वो पहले शर्त लग रही है, वो पहले मेरे बच्चे को चुप करे तो वो बच्चा करेगी। कैसे संभालेंगे बच्चे को यार, तो देख ले थोड़ी देर गोद भी तो ले नहीं पाता, ऐसे दिन भर घूमना पड़ता है बच्चे को लेके। मैंने अपने भांजे को भी तो गोद नहीं लिया, डरता भाई चोट। पर अपने चलो चलो आप दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो करो, आप कहाँ से हो भैया? कुछ लग जाए कुछ भी। अरे मोहित भैया आप कहाँ से हो? हरियाणा से। कितना बस बेसिकली हरियाणा से है, बट रहते बचपन से दिल्ली में। हरियाणा में। और आप कहाँ से हो? मैं यहीं से इंदौर से, मुंबई में। इंदौर से हूँ लेकिन रहती बॉम्बे। और आप दोनों कहाँ मिले थे? हम लोग तो बहुत लंबी कहानी है। गोवा में, गोवा में। आप दोनों पास में रहते थे ना, मम्मी ने मेरे को बताया था। हाँ लेकिन हम जानते नहीं थे जब पास रहते। गजब, गोवा में मिले तब जाके पता चला कि हम पास पास में रहते हैं। एक गली पीछे पता चला। जब तो गली में क्रिकेट ही खेलते रहता हूँ। क्रिकेट मैंने कभी खेला ही नहीं। खेला कैसे? झूठ बातें करते हो, खेलते तो हो ही। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो गोलू भैया, खाना खा लो ना। पता नहीं कुछ नया बना रहे हैं भैया, अंडे का। कुछ नया बन रहा, पता आपको कितनी बज रही है? ग्यारह बज के एक मिनट भागो, उड़ गई। माही क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ कुछ आज अलग सा, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे भी नहीं पता डिश का नाम क्या, बस हाँ ये तो पता है ना, इस ब्लॉग में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मम्मी को बहुत टाइम से हो रहा है और मम्मी बता नहीं रही थी, लेकिन अब मम्मी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको इनको देख के नहीं लग रहा होगा ना, इनको कुछ हो रहा है। लिपस्टिक, काजल, बिंदी सब कुछ प्रॉपर रेडी है, लेकिन अंदरूनी जो दिक्कत होती है वो हो रही है। ये सब मजाक था, चलो उठो मम्मी अपन बताती हूँ। इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखें, आपको ब्लॉग में बता रहे ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाए। अगर आप लोगों के भी ऐसे सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। नहीं क्या हो रहा है आपको? कमर के यहाँ से कहाँ पर, यहाँ तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये कमर से यहाँ तक का दर्द स्टार्ट हो गया है। मुझे कभी 15-20 दिन हो गए थे पर मैं इग्नोर कर रही थी, और अब है ना इतना ज़्यादा दर्द कि मैं चाल ही बदल गई। हाँ मम्मी से चलते भी नहीं बन रहा, तो ये है ना मुझे साइटिका जो होता है ना उसका सिम्टम दिखा। अगर आप लोगों को पता है साइटिका क्या होती है तो ये व्लॉग में कमेंट करके बताना, और आपको अगर इसका कोई पता हो इलाज की घरेलू कोई उपाय हो तो वो भी बताना। मम्मी कैसे दिक्कत होती है इसमें, क्या होता है, कैसे सिम्टम पता चलता है इसका? मतलब इसमें है ना बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत देर तक बैठ सकती हूँ, बस खड़े नहीं हो, अगर 2 सेकंड भी खड़े रही तो मुझे कुछ चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। एकदम से वहाँ पे दर्द चमक जैसी चल रही है।
इनको ऐसे होता नहीं, बहुत काम कर लेती है, पता नहीं है मेरे को, मैं बीमार भी नहीं पड़ती पर पता नहीं ये हो रहा है, तो मैं सोची हो जाएगा पर अब कल से पीछे पड़ी, मम्मी आप कल चले जाना डॉक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब जो दीदी आती है ना, जो रोटी के लिए जो दीदी आती है, उन्होंने बताया कि उनको भी ये चीज़ होती थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि होता है होता है, तो उनको बिल्कुल पैर की एड़ी तक वो दर्द चला गया और वो साइटिका में कन्वर्ट हो गया, और अब उसका टैबलेट वगैरह सब कुछ चल रही है लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ अगर आपको भी हो रही है, आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है, तो आप लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दिखा सकते हैं इनको, तो मैं कल बोली रही हूँ, लेकिन इनको ये पता है कि साइटिका ही है ना। हाँ, साइटिका की दर्द है, क्योंकि किसको था और आपके घर में? मेरी दादी को। ये ऐसा होता है कि किसी को रहता है तो होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैंने कल यूट्यूब में देखा इसका बहुत देर तक, तो उसमें बता रहे ज्यादा सिटिंग का रहता है ना, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, पर मेरा ऐसा सिटिंग नहीं है। मैं तो चलने फिरने का काम ज्यादा करती हूँ, और अगर मशीन पे सिलाई के लिए बैठती भी हूँ ना, तो कितनी बार उठ जाती हूँ, कंटिन्यू नहीं बैठ पाती मैं, और पता नहीं क्यों हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, अगर उस डॉक्टर से मुझे फर्क पड़ता है थोड़ा सा भी, वो यहाँ का इंदौर का बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं बताऊंगी अगर फर्क पड़ेगा तो, मैं उसका नाम भी यहाँ पे, और नेक्स्ट व्लॉग में ये भी बताएंगे कि मम्मी कौन से हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने बोला क्या, ये भी आप लोगों को ये चीज़ भी बताएंगे, क्योंकि ना इंसान का सबसे मेन चीज़ होती है उसके पैर, चल फिर ना, वैसे तो बॉडी का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, आँखें, धन दौलत वगैरह ये सब मायने नहीं रखता है, इंसान का शरीर अच्छा। और अपन अगर ये सोचे कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बॉडी का, तो हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा मुंह, हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारे पैर, सभी कुछ। अगर लाइफ में देखा जाए तो सबसे धनवान व्यक्ति वही है जिसका शरीर स्वस्थ है, पैसा कुछ नहीं, जिसके पास जितना पैसा होता है ना, देखना उसके पास उतनी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए ना अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें। मैं थोड़ी लापरवाही कर देती हूँ, पर ये मेरी जान खा रही है, कल से डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि इनको मैं इनकी जान पता है क्यों खा रही है, जैसे कि मेरी मम्मी है, उनको अगर जैसे कमर वमर दुखती है कुछ भी, तो उनको ऐसा है कि वो वैसे भी घर से कहीं बाहर नहीं जाती, वैसे भी आराम करती, पर इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको चीज़ एक्सप्लोर करनी पसंद है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तैयार होना है, वीडियोज़ बनाना है, तो ये बैठती नहीं, और अगर ऐसे अपन कहीं चले जाओ ना, तो ये सैड हो जाती हैं कि अरे यार मैं नहीं जा पाई, तो अगर आपको ये सब करना है तो आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, जैसे कि हम कल कहीं जाने वाले, अभी ये नहीं जा पा रही हैं, क्यों, क्योंकि इनसे चलते नहीं बन रहा, जितना वहाँ पे जाना है ये चल नहीं सकती, तो इसलिए इनको लेके नहीं जा पा रहे। बहुत टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, मतलब 2 से 3 दिन हो गए मैंने व्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कराया, इसलिए क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और घर हमारा इतना अस्त व्यस्त पड़ा है ना तो मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि घर ही इतना खराब पड़ा है, तो सोचा कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दे दे व्लॉग के थ्रू, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। मैं तो इनको कल भेज रही हूँ हॉस्पिटल, और अगर आपको पता हो कि साइटिका में क्या करते हैं, आपको हो या आपके घर में किसी को और उनका ठीक हुआ हो, तो प्लीज़ कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम भी कर पाए इनका ठीक हो जाए। वैसे तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके वो चीज़ हम लोगों को बताना, बताइएगा। बाकी ये कल हॉस्पिटल तो जाएंगी, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। लड्डू, तो इसने पावर नैप तो ले चुकी है मैडम। लड्डू, ए भी तू देखो मम्मी खेल कैसे रही, मम्मी मम्मी देखो कैसे खेल रही, देखो देख देख भी तू कहाँ गई चाचू, देखो कहाँ गई तातू, कहाँ गया? हाँ, मैं आपको पहले भी हुआ था ना ऐसा कुछ, पहले आपको पहले यहाँ पे मेरी गर्दन की नस जो है ना वो पहले दब गई, मतलब पार्लर का बहुत ज्यादा करती थी ना मैं, तो कमर भी दर्द करती थी, पर यहाँ से मेरी गर्दन यूँ नहीं हो पाती थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला था कि ये मसल्स की कोई प्रॉब्लम हो तो आप है ना थेरेपी करा लो, और 3 महीने का कोर्स लिख के दिया था, अगर ठीक नहीं होता 3 महीने में फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो MRI जो होता है वो करा लेना, उससे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो मैं गई, मैंने थेरेपी कराई, थेरेपी में गई तो 1 हफ्ते गई होंगी मैं, मुझे आराम मिल गया था, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पीहू आ गई, फिर उस चक्कर में मैं जा नहीं पाई, तो थेरेपी भी अधूरी रह गई, उसके बाद पैसे भी मेरे अभी तक जमा है, वो तो नहीं देगा, वो थेरेपी तो नई ही स्टार्ट करना पड़ेगी मुझे, पर है ना बहुत आराम पड़ गया था मुझे थेरेपी से, जैसे किसी का ऑपरेशन हो जाता है किसी भी चीज़ का, हाथ का हड्डी टूट गई हो या कुछ हो गया हो, थेरेपी का बोलते हैं डॉक्टर आजकल, तो ज़रूरी हो गया थेरेपी, तो थेरेपी ज़रूर करवाएं, नहीं तो उसके बाद में हड्डी जुड़ जाती है ना, हाथ टेढ़ा हो जाता है, अभी मेरे मतलब बुआ का लड़का, मतलब मेरा भाई है, सगे भाई से भी ज़्यादा ही है वो, तो उसका हाथ वो गिर गया था, तो उसके हड्डी को ऑपरेशन हुआ, रॉड डली थी उसमें, अभी कल निकलवा के आया है वो, और अब उसको थेरेपी का बोला है, मैंने उसको बोला है कि तू थेरेपी ज़रूर करवाना,
टाइम निकाल के, नहीं तो हाथ टेढ़ा रह जाएगा क्योंकि मेरी जिठानी का हाथ ऐसा हो गया। हाई हम तो अच्छे जैसे ऐसा हो गया तो शरीर पे ज्यादा ध्यान दो यार। खुद तो दे नहीं रही हूँ, शरीर तो सब कुछ है। अरे देती हूँ मैं, तू खुद ही तो बोलती है मम्मी आप कितना खाने पीने में इसमें ध्यान देती हो आप खुद का। अब तो देना चाहिए, तो मैं सही बोलती हूँ, तो देना चाहिए ना। फिर भी तो तुमको हो रहा है ना? अरे तो वो दर्द में पार्लर तो मैंने बंद करवाई दिया। पार्लर बंद करवा दिया आप? पार्लर बंद करवाने का ही मेरा रीजन है कि जो अपन बॉडी से ही स्वस्थ नहीं है वही पैसे अपने हॉस्पिटल में लगना है तो क्या मतलब इतना पार्लर का करने से। नहीं मैं ज्यादा नहीं करती, मैं करने ही नहीं देती। मेरे कस्टमर को भगा देती है। नहीं तो जब आप खुद बताना कमेंट में, अपन को दुख रहा है और अपन दुख में दर्द में उठ के करेंगे ऐसे करने का, ऐसे पैसे का क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा अपन, क्या करेंगे अपन, है ना। मैंने हाथ लगा दिया बच्ची होने की। नहीं मैं तो इतने देर से मतलब यहाँ था। तुम भी ऐसे करते हो ना, मैं घंटों घंटों मेहनत करती हूँ आके बोलते हाँ मैंने हाथ लगाया। पता है आपको इतना मसाला भी इन्होंने ही किया है और खुद ही बना रहे हैं। मैं तुमको सब कुछ आता ना बनाना? यस मम्मी ने सब सिखाया, वेज नॉन वेज रोटी पूरी सब्जी बाटी दाल सब बना देता मम्मी ने, सब सिखाया ना सब। अच्छी चीज है लेकिन ये, पहले मम्मी अकेले रहते थे ना काम करने के लिए तो इसलिए कभी कभी हम लोग फिर मदद करा देते थे। मम्मी से पूछूंगा देखना कितने अच्छे से बताएंगी। मम्मी आपने वहीं को सब सिखाया है ना, देखो कितना अच्छा मसाला करा उन्होंने, सब सिखाया। वो सब्जी भी खाना ही बहुत टेस्टी बनाता है, उससे कपड़े धुलवा लो बर्तन साफ करवा लो और मतलब अपने से अच्छा करके देते हैं। एकदम परफेक्ट। और मतलब मेरा जब ऑपरेशन हुआ था ना बड़ा ऑपरेशन, तो उस टाइम पे मुझे लगा ही नहीं था कि मैं लड़की नहीं है, सारा काम ये दोनों कर लेते थे पर ज़्यादातर शुभम ही करता था। गोलू तो उसके हाथ की रोटी का भी दिखाएंगे गोलू के हाथ की कि कैसे बना था, भारत का नक्शा ऐसा पर बना लेते हैं। मेरे को ये है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने दी क्योंकि आजकल कोई नहीं काम करता है, अपने घर के रहते हैं वही करते हैं, रिश्तेदार वगैरह से कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। तो मेरे मैं यही बोलती हूँ मम्मी से पूछ के आते देखने कितने अच्छे से बताएंगे। हाँ मेरे बच्चे पर माही बहुत टेस्टी बनाते हो गोलू भाई, और मेथी की सब्जी फिर भी वेट कर रहे हैं क्योंकि मसाला इतना अच्छा दिख रहा है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से हम लोग ये बोलेंगे आपको कि अगर आपको पता हो कि साइटिका का कोई इलाज हो परमानेंट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, बाय बाय बाय।